सो आज के इसमें हम देखेंगे शिक्षा मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट 10। लास्ट वीडियो से हमने प्रैक्टिस सेट 9 देखा, हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 10 में क्या क्यों है। क्वेश्चन नंबर 1 ऐड। अब ऐड का मतलब क्या है सिंपली आपको मालूम है, ऐड मतलब क्या होता है प्लस, तो आपको प्लस करना है। मैंने आपको कुछ बेसिक से पहले बताइए कि सब कुछ आपको गिवन है 2 1/3। इसको एक्चुअल रीड कैसे करना है 2 इंटीजर 1/3। इसको पता रीड करना है, हाउ टू रीड 2 इंटीजर 1/3। देन हाउ टू सॉल्व 2 3 6 + 1 7, 3 नीचे है तो उसको आपको नीचे रखना है। सिंपली सॉल्व हो गया। वंस अगेन 3 2 6 + 1 7, तो 7 आपको ऑलवेज ऊपर लिखना है और जो नंबर नीचे उसको नीचे ही लिखना है। अब आगे देखते हैं, इसमें आएंगे हम लोग। तो क्या कि बने 3 6 18 + 1 19, तो 19/3। वापस 3 6 18 या 6 3 18 + 1 19/3, देन प्लस 2 3 6 6 + 1 7, तो 7 का 7 लिखेंगे और जो नंबर नीचे उसको नीचे ही लिखना है। अब देखिए इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मर या पता हूँ बेसिक चीज़ें, जैसे कि कभी अगर आपको गिवन है P/M + Q/M, तो देखिए ऊपर नंबर क्या, ऊपर मतलब न्यूमरेटर, नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर। तो देखिए तो आप उससे क्या करना है P + Q/M, ऐसा क्यों, मतलब क्या मैंने कहना है, मतलब क्या, अगर नीचे का नंबर दिया डिनोमिनेटर अगर आपका कभी सेम होगा, कभी अगर सेम रहेगा तो उसको एक बार लिखना है और ऊपर वाले के दोनों को साथ में लिखना है। जो नंबर नीचे का सेम होगा तो उसको एक बार और ऊपर वाले को साथ में लिखना है। तो अब यहाँ देखिए नीचे नंबर क्या है, सेम है, नीचे 3 3 है तो 19 + 7/3। समझ रहे आप लोग को 19 + 7 से क्यों, बिकॉज नीचे का नंबर सेम था तो उसको एक बार लिखना है और ऊपर वाले को साथ में लिख दे। अब यहाँ प्लस है और इधर भी यहाँ पर कोई नंबर है, साइन नियम मतलब यहाँ पर प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस होता है 19 + 7 = 26 और 3 नीचे तो 3 को आपको नीचे ही लिखना है। अभी एक और बात, अब इसको हमने क्या किया, कैसा था ये मिक्स फ्रैक्शन था और ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये कैसे इम्प्रॉपर में और ये किसमें मिक्स में, तो इसको आपको मिक्स में कन्वर्ट करना है। हमने 9 प्रैक्टिस 9 में पीछे देखा था, आप उसमें देख सकते वीडियो, तो देखिए ये जो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 नंबर बाहर, उसको मैं 3 को बाहर लिखूंगा और 26 को अंदर लिखूंगा, तो 3 8 = 24 माइनस करेंगे 6 में 4 गया तो 2 बचा, 2 में 2 गया तो 0, नो नीड टू राइट टू 2, आपको 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए ये क्या है मेरा क्वेश्चन, ये क्या है मेरा रिमाइंडर है और ये क्या है मेरा डिवाइजर है और ये क्या है मेरा डिविडेंड है, ठीक है। तो आपको इतना मालूम है, ये सब हमने लास्ट पहले ही देखा था, ठीक है। अभी ये तो आपको नॉर्मल था, पहले आपको क्या लिखना है क्वेश्चन लिखना है, क्या लिखना है क्वेश्चन, फिर आपको क्या लिखना है रिमाइंडर, देन फिर डिवाइजर। तो आपका रिमाइंडर क्या मिला आपको, फिर नीचे डिवाइजर, ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका मिक्स, ये मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रैक्टिस 9 में। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या मिला मुझे, क्वेश्चन मिला मुझे 8, तो मुझे क्वेश्चन मिला 8, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 8, फिर क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या मिला 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, डिवाइजर क्या मिला 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, तो ये आपका आंसर आ गया। आपको क्रॉस चेक करना है, यू कैन डू इट, देखिए 8 3 = 24 + 2 = 26, 3 + 3 = 26, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। 2 क्या गिवन है 1 इंटीजर 1/4 + 3 इंटीजर 1/2 है, सिंपली आपको क्या करना वही चीज, तो 4 1 = 4 + 1 = 5, 4 नीचे तो उसको आपको नीचे लिखना है इक्वल टू, वापस 4 1 = 4 + 1 = 5/4, देन प्लस 3 2 = 6 6 + 1 = 7 7/2 आ गया। नाउ
अब एक यहाँ देखिए, अब इसके लिए आपके पास दो मेथड है, इसको सॉल्व करने आपके पास दो मेथड, ठीक है। तो आपको मैं दोनों मेथड भी बताऊंगा। पहला मेथड देखिए क्या आपको क्या कर सकते इसमें, अगर आपको सा गिवन है तो एक मिनट, तो मेथड वन देखिए। अब देखिए यहाँ फोर है, यहाँ टू है, यहाँ पर फोर है और यहाँ पर टू है। अभी जो फोर है टू तो बनेगा नहीं, मुझे था कि बिकॉज अगर आपका नीचे का नंबर सेम रहेगा तो उसको एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो टू है तो ये टू है, इसको ये फोर कब बनेगा, तो देखिए फाइव अपॉन में फोर प्लस सेवन अपॉन में टू है, तो ये फोर टू कब बनेगा, तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, समझा। मैं टू से मल्टीप्लाई क्यों करा, बिकॉज टू टू था फोर, इधर फोर है तो सेम बनने के लिए, तो फाइव अपॉन में फोर प्लस सेवन टू था फोर्टीन, टू टू था फोर। अब देखिए अभी नीचे नंबर सेम हो, इसकी तरह नीचे नंबर सेम हो उसको एक बार लिखना है, तो फोर एक बार लिखो ऊपर वाला का फाइव प्लस फोर, तो फाइव प्लस फोर्टीन प्लस फोर कितना आएगा, नाइनटीन अपॉन फोर। देखिए तो आपको आंसर मिला फोर्टीन प्लस फाइव नाइनटीन अपॉन फोर मिला। अब देखिए अब जो मैं यहाँ सब कराई जैसे, अब इसके लिए एक और मेथड है, हमने पहले क्या किया टू से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ फोर है आपको यहाँ फोर लाना है, फोर क्यों लाना है, बिकॉज नंबर बेस का आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसको आप लोग एक बार लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया फोर ये टू, तो फोर टू बनेगा नहीं, बट जो टू है ये फोर बन सकता है, तो फोर कब बनेगा जब टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने ऊपर आपको टू से नीचे नहीं, आपको ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो एक चीज़ आ गया, एक और चीज़ ये आपको जो था ये फाइव अपॉन फोर प्लस सेवन अपॉन में टू था, इसको आप एक और चीज़ कर सकते हैं, क्या करना आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब देखिए फाइव इंटू टू प्लस फोर इंटू सेवन अपॉन में फोर इंटू टू, ये कौन सा मेथड, देखिए एम अपॉन एन प्लस पी अपॉन क्यू है, तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एम इंटू क्यू प्लस एन इंटू पी डिवाइड बाई एन इंटू क्यू, हम लोग ये करते। तो ये चीज़ मैं अभी यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो फाइव टू ज़ा टेन प्लस फोर सेवन ज़ा ट्वेंटी एट, फोर टू ज़ा एट, ठीक है, ट्वेंटी एट प्लस थर्टी टेन थर्टी एट अपॉन में एट, देखिए टू फोर ज़ा एट, टू फोर ज़ा एट, टू वन ज़ा टू, तो वन बच गया, टू टू नाइन ज़ा एटीन, तो आपको नाइनटीन अपॉन में फोर मिला। तो देखिए आपको दोनों में नाइनटीन अपॉन फोर मिला, तो अगर आपको ये मेथड नहीं समझा तो आप ये मेथड फॉलो करो, सिंपली आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको इससे फिर इसको इससे और नीचे नीचे से, तो आप ये करो या फिर आप ये करो, ये आपका मेथड वन था और ये आपका मेथड टू है, तो आपको जो इजी लग रहा है आप वो कर सकते। यहाँ पर आपको थोड़ा क्या कैंसिल करना पड़ेगा, इसमें हमको बिना कैंसिल आंसर आ गया, तो आई थिंक आपके लिए इजी बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि आपको सिंपल जब टू से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हमें कितना लंबा टू टेन किए फिर फोर ट्वेंटी आया, नंबर बड़े हो गए, यहाँ कितना ईजी आया टेन लाके ऐड कर सिंपल, अब ये कर आपको ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको आपको क्या डिवाइड करना है, क्योंकि आपको मिक्स फ्रैक्शन लाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा फोर बाहर रहेगा और नाइनटीन क्या रहेगा अंदर। अब देखिए फोर टू फोर फाइव ट्वेंटी, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, तो नाइन में थ्री, नाइन में सिक्स कितना बचा, ओनली थ्री बचा, वन में वन गया जीरो, तो जीरो आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए हमको मिक्स क्वेश्चन में क्या लिखना, मिक्स का मतलब क्या है अलग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मतलब जो नंबर ऊपर रहेगा, तो ऊपर कौन है फोर है, तो फोर ऊपर लिखो, फिर क्या आता रिमाइंडर, मतलब जो नीचे आता तो नीचे कौन है थ्री आ गया, उसके बाद डिवाइडर जो बाहर है तो बाहर कौन है फोर है, तो देखिए फोर फोर था सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन, तो मिल गया आपको आंसर, तो बस ये आपका सिंपली आंसर आ गया, आपको इसको इसी तरह सिंपली सॉल्व करना है, ओके। तो देखिए अभी फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव प्लस वन, ट्वेंटी सिक्स अपॉन में फाइव तो नीचे लिखना आपको, प्लस सेवन टू सा फोर्टीन प्लस वन, वन क्यू जो आपको वन प्लस करना, प्लस प्लस वन सेवन टू फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, फिफ्टीन अपॉन में सेवन। अब यहाँ देखिए ये नंबर सेम तो होगा नहीं, ये नंबर सेम तो होने वाला नहीं, ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करो, आपको ये एम अपॉन एन प्लस पी अपॉन क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई देखो फाइव सेवन नहीं बनाया, सेवन फाइव नहीं बनाया, सिंपल क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो बनाया है सेकेंड वो सेकेंड में कर ले, तो देखिए क्या करना आपको सिंपल देखो ट्वेंटी सिक्स इंटू सेवन प्लस ये फिफ्टीन इंटू फाइव डिवाइड बाई ये फाइव इंटू सेवन, तो देखिए ये ट्वेंटी सिक्स इंटू सेवन, ट्वेंटी सिक्स
इंटू सेवन है, ठीक है। तो आपको क्या सिंपल है, 27 जा देखिए, 72 जा देखिए, आप ऐसे कर सकते हैं, 27 जा 140 प्लस 6 में 42, 6 में 42 तो कितना मिलेगा, 182 मिलेगा। तो ये मैंने कैसे क्या सिंपल दीजिए, ये मैंने डायरेक्टली किया, देखिए। तो आपको एक्चुअली ऐसा करना है, 20 है यहाँ पर, 7 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 टू द 14, 14 प्लस 4 18, ठीक है। देखिए मैं आपको ऐसा करा, मैंने यहाँ पर एक ऐसा आपको माइंड में, आपको ये माइंड में कर, तो उसे क्या दी 26 प्लस इंटू 7 था, तो इसको क्या 20 समझिए, आपको क्या है 20। तो 27 14 में 140, 7 6 40 42, तो 140 प्लस 42 182। आप ऐसा ओरली भी एक ऐसा, आपको अगर आपको ओरली करना है, माइंड में रहना है, तो आप ये यूज़ करो। अगर आपको ये अभी प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या आपको सिंपली आप ऐसा करो, तो फिलहाल आप ऐसा करो, बट इसके लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस करो कि आपको माइंड में फटाफट इंस्टेंटली आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। तो आपको 182 मिला, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अभी 182 प्लस, अब देखिए 15 इंटू 5 है, तो देखिए इसको मैं 10 5 50 10 5 इसको मैं 10 प्लस, इसको मैं ऐसा जूम कर रहा, 50 मतलब 10 5 50 50 5 5 25 25 50 प्लस 25 कितना मैं 75 मिलेगा। आपको करने में टाइम लगेगा, सिंपल 10 5 50 50 5 25 50 प्लस 25 75। तो आप ऐसा करें 15 इंटू 5 करेंगे आप लोग, 5 5 25 कैरी 2, 5 5 प्लस 2 7, देखिए आपको 75 मिलेगा। अभी आपको ये दिख रहा है, ये इजी लग रहा है आपको, बट एक्चुअली अगर आप इसमें मास्टर हो गए ना, प्रैक्टिस में मास्टर, तो कैसे आपके माइंड में आपको हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेंटली आपको 2 सेकंड का इसका आंसर आपको मिलेगा अभी, जब इसमें मास्टर हो जाएंगे। तो आपको मिला 75, तो 75 मिला, 5 7 35। अभी देखिए दोनों को ऐड करना है, तो 182 और ये 75, 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 7 15, 5 कैरी 1 82, कितना मिला आपको 257 मिला। यहाँ लिखेंगे 257 डिवाइड बाई 35, तो आपको इसको डिवाइड करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे 35, यहाँ पर लिखेंगे 257। अब देखिए, अब आपको देखना है कि 35 में ये कब आएगा, तो ये जगह मैं 35 करूँ, तो 5 5 25 कैरी 2, 5 3 15 प्लस 2 17, ठीक है। तो इतना बहुत ज़्यादा कम आ रहा, कोई बात नहीं, तो मैं करूँ 5 7 जा, तो 7 5 35 का 5 कैरी 3, 5 3 7 21 21 प्लस 3 24। तो देखिए आपको ये नंबर इसके थोड़ा क्लोज दिख रहा, तो मैं ये लूँगा, ठीक है। तो 35 7 सा कितना मिला आपको, 245 मिला, कितना मिला आपको 245 मिला। तो देखिए 7 में 2 गया तो कितना मिला, 7 में 5 गया तो 2 बचा, 5 में 4 गया 1 बचा, 2 में 2 गया तो 0 बचा, 0 हम लिखते नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए पहला आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब जो नंबर ऊपर जो क्वेश्चन मतलब, तो क्या मिला आपको 7, देन फिर रिमाइंडर मतलब 12, फिर क्या था आपका डिवाइड मतलब जो हमें बाहर है, बाहर कौन 35, ठीक है। तो आपको आंसर आ गया, ये मैंने उसे आपको समझने के लिए करी, आपको समझना कि जो नंबर होता है बाहर उसको बोलते हैं डिवाइजर। तो डिवाइजर पहले क्वेश्चन मतलब जो नंबर ऊपर आता है, ऊपर क्वेश्चन था लिखे पहला, फिर आपका रिमाइंडर मतलब जो नीचे वाला, तो नीचे वाला लिखे, फिर क्या है डिवाइजर मतलब बाहर वाला, तो बाहर वाला की नंबर है, सबको समझ के लिखना है। तो आपको आ गया फाइनल आंसर, नंबर 4 देखिए, तो 3 5 15 प्लस 1 16, 5 का 5 नीचे लिखेंगे, प्लस 2 3 6 6 प्लस 1 7 7 अपॉन में 3। देखिए अगर आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं, तो 16 इंटू में 3 प्लस 5 इंटू में 7, नीचे को नीचे थे 5 इंटू 3। तो देखिए अब 6 3 18 कैरी 1 3 3 प्लस 4, अब इसे नया टाइम पास डायरेक्ट कर लो, प्लस 5 7 35 5 3 15, अब दोनों को ऐड करना, देखिए
40 प्लस 30 70 आप दिमाग में रखो, 8 प्लस 5 13, तो 70 प्लस 13 83। ठीक है, आप सिंपल देखो 83 आपको मिला, 83 यहाँ के लिए 40 प्लस 35 तो कितना मिला है, 8 प्लस 5 13 कैरी 1, 5 प्लस 3 8 आपको डायरेक्ट 83 मिल गया। तो आपको ये सब यहाँ टाइम पास, ये रफ टाइम पास बिल्कुल भी नहीं है ना, अभी से आप प्रैक्टिस करो आपके दिमाग को और स्मार्ट होकर, ठीक है, कि अभी से प्रैक्टिस मेंटली मैक्स करने की। तो देखो मैंने क्या किया था, 48 प्लस 35 था, तो आपको सिंपल देखो 40 था 30 था, ऐसा आप अज्यूम करना है, 40 प्लस 30 70 हो गया, 8 प्लस 5 13, तो 70 प्लस 13 83 हुआ, तो 83 अपॉन में 15। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइड बाय 83, अब यहाँ करेंगे 15 6 5 6 30 कैरी 3 6 6 प्लस 90, तो 15 6 90, तो आपको इससे कम लेना है, तो 15 4 करो 5 4 20 कैरी 2 4 1 4 प्लस 2 6। ठीक है, 15 4 4 में इतना आया, अब 15 5 करते हैं 5 5 20 कैरी 2 5 5 प्लस 2 75, तो 15 5 75 मिला, तो 15 5 75 करेंगे, तो सब कैरी कर लो, तो ये हो गया 7, ये हो गया 13, 13 में 5 8 5 गया, तो आपको 8 में 5 गया 8 बचा, 7 में 7 गया, तो 0 बचा, जो लिखने हैं आपको बिल्कुल भी। तो देखिए आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन मिला ऊपर वाला, तो ऊपर क्या मिला आपको 5 मिला, ठीक है, देन रिमाइंडर नीचे वाला 8, देन डिवाइजर बाहर वाला 15, तो आपको आ गया फाइनल आंसर, बस आपको इतना करना है। तो आज हमने प्रैक्टिस ऑफ 10 कंप्लीट किया, कंप्लीट नहीं किया, प्रैक्टिस ऑफ 10 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया जो कि ऐड था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।